शिंजो आबे सबसे ज्यादा 9 साल तक जापान के पीएम रहे, लेकिन 8 जुलाई को एक रैली के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना से जापान में हड़कंप मच गया। आरोपी हमलावर को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। गोली लगने के बाद आबे को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के प्रधानमंत्री और नेताओं ने अपने देश में राष्ट्र शोक घोषित किया है और राष्ट्र नेताओं ने शोक व्यक्त किया। शिंजो आबे ने अपने कार्यकाल के दौरान जापान के लिए कई सराहनीय फैसले लिए। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता और रेडियो जॉकी से शादी की थी। शिंजो आबे ने अक्की आबे से शादी की, तो उनकी पत्नी अक्की आबे के बारे में आज जानते हैं कि कौन थी अक्की आबे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे पति पत्नी के रिश्ते एक ऐसी पहचान है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी रेडियो जॉकी रह चुकी अक्की अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि शिंजो आबे यहाँ गलत है तो उनकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं रहती। ऐसा ही शिंजो आबे के साथ भी हुआ। उनकी पत्नी ने आलोचना करने से कभी पीछे नहीं रही। शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलती हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव हैं। अगर उनकी लव स्टोरी की बात करें तो अक्की जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो से 8 साल छोटी हैं। 22 साल की उम्र में जब वो एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करती थी, उस दौरान शिंजो ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। उस वक्त अक्की राजनीति में एंट्री ली थी। पहली मुलाकात में अक्की को शिंजो काफी पसंद आए थे। युवा शिंजो काफी बातूनी और मजाकिया भी थे, जो बात अक्की को खूब भाई और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के बाद शादी के लिए उन्होंने हामी भर दी। अक्की आबे और शिंजो आबे की शादी 1987 में हुई थी। अक्की रेडियो डीजे रही हैं। उनके मुखर विचारों की वजह से जापान में उन्हें शिंजो की घरेलू विपक्षी पार्टी भी कहा जाता है। अक्की एलजीबीटी समुदाय की समर्थक रही। अप्रैल 2014 में उन्होंने जापान की एलजीबीटी कम्युनिटी के समर्थन में टोक्यो में आयोजित ग्रे प्राइड परेड में भी हिस्सा लिया था। अक्की किसी जापानी प्रधानमंत्री की ऐसी पहली पत्नी है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रही है। शिंजो आबे और अक्की आबे की कोई संतान नहीं है। शादी से पहले उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट हुआ था जो कभी सफल नहीं हो पाया। इस वजह से कपल कभी पेरेंट्स बन ही नहीं पाए। लेकिन जापान में ऐसी परंपरा नहीं है कि वो किसी को गोद ले सकें, इसलिए परंपरा मानते हैं शिंजो आबे की पत्नी अक्की आबे ने किसी बच्चे को गोद लेने से इनकार कर दिया। इस तरह शिंजो आबे की बच्चे को लेकर आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। शिंजो आबे की पत्नी जापान की मशहूर चॉकलेट निर्माता कंपनी मोरीनागा के प्रेसिडेंट की बेटी रही हैं। मोरीनागा अपने करियर की शुरुआत रेडियो जॉकी से उनकी बेटी ने की। मोरीनागा की बेटी शिंजो आबे की पत्नी ने अपने पति के निधन पर अक्की पूरी तरह से टूट चुकी हैं। अक्की आबे ने 1990 में रेडियो डिस्क जॉकी का काम भी किया। बी ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस रहीं। उन्हें अक्की नाम से पहचाना जाता है। वो टोक्यो में ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म चलाती हैं। अक्की आबे का जन्म 10 जून 1962 को टोक्यो जापान में हुआ था। शिंजो आबे के प्रधानमंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने इजाकाया नाम से एक जापानी बार खोला। 2011 में अक्की आबे ने सोशल डिजाइन स्टडी में रिक्की विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की। अक्की ने अपनी बुक आई लिव माई ओन लाइफ में जिक्र करती हैं कि पहले वो जब शादी के बाद शिंजो के साथ रहने आई थी तो उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिलाती थी। उन्होंने लिखा कि जब मुझे पति की कोई बात नीति सही नहीं लगती थी तब भी जनता के सामने उनका समर्थन करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उनके खिलाफ बोलूंगी तो उनकी छवि पर बुरा असर पड़ेगा, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ शिंजो आबे की पत्नी नहीं बल्कि अक्की आबे भी हूँ। यानी पर्सनल बी स्टैंड उन्होंने लिया था। मैं अक्की आबे बनकर रहना चाहती थी, मतलब एक नई पहचान बनाना चाहती थी।
शिंजो आबे की पत्नी हैं, उनकी आलोचना भी करती रही हैं। इसके बाद वो सरकार की नीतियों और फैसलों की खामियों पर खुलकर बोलने लगी। शिंजो आबे के घर में उनका विपक्ष दल समूह मौजूद था, उनकी पत्नी। हालांकि यह बात शिंजो को भी बहुत पसंद थी। इतना ही नहीं, जापान के लोग भी अक्की आबे को बहुत पसंद करते हैं। वाकई रिश्ते का आधार सिर्फ प्यार भावना नहीं बल्कि सिर्फ तर्क भी होना चाहिए। जहां पति पत्नी में से कोई भी गलत हो तो बोलने से पहले हिचकिचाना नहीं चाहिए, तर्क करते रहना चाहिए। चाचा के नाम से भी रिकॉर्ड था। जापान में दो बार प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले शिंजो आबे का कार्यकाल कुल 9 साल का रहा। उन्होंने पहली बार 2006 में पीएम पद की शपथ ली। इसके बाद उन्होंने 2012 से 2020 तक ये पदभार संभाला। 21 सितंबर 1964 को जापान के राजधानी टोक्यो में जन्मे शिंजो आबे पहली बार 52 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। उनके चाचा इसाकू सैद के नाम सबसे लंबे समय तक जापान का प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। शिंजो आबे के पिता शिनतानो आबे ने 1944 में दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान कामाकाजी पायलट बनने के लिए एक नेवल एविएशन स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन जापान ने सरेंडर करने के चलते उन्हें कामाकाजी पायलट के तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला। 1924 में जन्मे शिनतारो आबे बाद में एक अखबार के पॉलिटिकल रिपोर्टर बन गए। बाद में वह राजनेता और फिर 1952 से 1986 तक जापान के विदेश मंत्री रहे थे। दूसरी वर्ल्ड वार में जापान ने लड़ाई की और एक नई सैन्य रणनीति बनाई थी जिसका नाम था कामाकाजी। दरअसल जापानी पायलट दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाते हुए जानबूझकर अपना प्लेन क्रैश कर देते थे। जापानी पायलटों के इस सुसाइडल अटैक को ही कामाकाजी कहा जाता है। लेकिन शिंजो आबे की पत्नी वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। पति की पत्नी के रूप में भी पति की आलोचना करती रही और लोगों के मन में एक नई जगह बना पाई। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।